हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो गुलाब का पेड़ देख रहे हैं, मैं आज इसी की एक बहुत ही मतलब कॉमन बीमारी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें लग जाता है स्पाइडर माइट। स्पाइडर माइट को कैसे कंट्रोल करना है और वो कैसी होती है, उसको कैसे पहचाना, तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये जो ऐसा जाल जाल सा दिख रहे हैं आपको, जैसे मकड़ी का जाला सा लगा हुआ है, ये देखिए ये जाला लगा हुआ है ना, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें बढ़ने दिया, तो मैं आपको कर रही हूँ। देखिए आप और दिख, ये देखिए ये दिख रहा है ना, ऐसा जाल जाल सा पूरा इसने कवर कर रखा है प्लांट को। आप देखिए इसकी कोई उस जहाँ जहाँ ये जाल है वहाँ से कोई नई ग्रोथ नहीं है, इसलिए स्पाइडर माइट भी ना काफ़ी ख़तरनाक चीज़ों में गिनी जाती है, लेकिन ये कंट्रोल भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाती है। इसे मैं परसों नरसों से देख रही थी, लेकिन मैं रुकी हुई थी कि आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊँ। ये देखिए जाल सा दिख रहा है ना, ऐसे जाल इसमें लकड़ी पे उठाने पे आ रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। देखिए ये देखिए, जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, देखिए कोई नई डाल नहीं निकल रही है ना, देखिए, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नीम ऑयल है, इसको मैं इसमें ले रही हूँ। ये आपके घर में दवाइयाँ जो होंगी उसमें ये कप ज़रूर आता होगा। चक्कर क्या है, स्पून का साइज़ ना डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो रहे हैं कि छोटा चम्मच है तो बड़ा स्पून है तो छोटा स्पून है। तो अब मैं इस नका कि इसमें ले कर देती हूँ मेजरिंग कप में, तो सबको एक बराबर ध्यान ही रहेगा। ये 2.5 ml ले रही हूँ मैं, ये देखिए 2.5 ml है, ये 1 लीटर पानी का है। ये इसमें ये डाल दिया मैंने नीम ऑयल, और अब इसमें एक इतना ही 2.5 ml इसमें ये डाल ले रहे हैं हैंड वॉश। आप कुछ भी मिला सकते हैं इसमें, हैंड वॉश मिला रही हूँ मैं, आप इसमें सर्फ भी डाल सकते हैं, कोई शैम्पू होगा वो भी डाल सकते हैं। ये भी देखिए 2.5 ml है, और इसको मिला लेंगे इसमें। दवाई तो एक्चुअली नीम ऑयल ही है, डिश वॉश या कोई सा भी इसमें डिटर्जेंट इसलिए मिलाना पड़ता है क्योंकि नीम ऑयल होने के कारण पानी में अलग हो जाता है, तो पानी में मिलाने के लिए इसको डिटर्जेंट डालते हैं, है ना। और ऐसा डिटर्जेंट भी अपने आप में एक छोटा मोटा पेस्टिसाइड तो है ही, छोटे मोटे जो जो ब्लैक ब्लैक कीड़े हो जाते हैं ना उनके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए इसको स्प्रे करते हैं, ये अफेक्टेड पार्ट पे कीजिए, एकदम ये जो इसकी है ना कि स्पाइडर माइट एकदम ख़त्म होने लगती है गिरने साथ के साथ ही। देखिए ये इसमें हो रखा है ना, इस सीज़न में हो ही जाती है गुलाब को ज़्यादातर, और आप करते रहेंगे रेगुलर तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ये ऐसा हानिकारक रोग मतलब लाइलाज वाला रोग नहीं है ये। खूब अच्छे से शावर कर दीजिए, कहीं इससे छूटने ना पाए, है ना। एक मिनट, खूब अच्छे से शावर कर दीजिए। ये जो फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है या प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि प्लांट को तो पूरे ने स्पाइडर माइट ने जकड़ कर रखा है ना, तो उसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा कहीं से, ना उस पर तक हवा पहुंच रही है ना कुछ, तो वो कैसे ग्रोथ करेगा। तो ये हो गया इसका इलाज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया स्पाइडर माइट का इलाज, तो इससे आप इस तरह से अपने प्लांट्स पे से इससे छुटकारा पा सकते हैं। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगी। बाय बाय।